हेलो एवरीवन, सेनपाई हियर और आज हम बात करने वाले हैं जुनजी न्यूटो की वन शॉट मांगा डिजॉल्विंग क्लासरूम के चैप्टर टू के बारे में। पार्ट वन पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखा और सबने बोला पार्ट टू चाहिए, तो हियर इट इज, सेनपाई केयर्स फॉर यू। इस चैप्टर का नाम है डिजॉल्विंग ब्यूटी और सच बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर मुझे पार्ट वन से ज्यादा पसंद है। इसके कवर पे आप यूमा को देख सकते हो जो की पार्ट वन में था, वो केइको नहीं है, वो जो फीमेल दिख रही है वो कोई और कैरेक्टर है जो की आगे हमें इंट्रोड्यूस होगी। सेकंड पेज पे हमें वो जो फीमेल कैरेक्टर थी वो बताती है कि उसकी जो एक दोस्त है वो 2 साल बाद मिलने आ रही है उससे एक, और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है। इस लड़की का नाम है नाओ जो कि इसकी मेन स्टोरी की कैरेक्टर होने वाली है, और जो उसकी फ्रेंड है उसका नाम है मैको जो कि थोड़ी सी वियर्ड दिखती है, थोड़ी मतलब कि पूरी अजीब दिखती है। जो नाओ है वो उसे पहचान भी नहीं पाती कि तुम कौन हो, वो उसकी दोस्त को नहीं पहचान पा रही। तब मैको बताती है कि मैं हूं मैको, तुम मुझे कैसे भूल गई। और जब भाई वो बोलती है उसके दांत वगैरह दिखते हैं और मतलब वो और भी ज्यादा बदसूरत दिखती है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। नाओ अपने माइंड में सोचती है भाई ऐसा कैसे हो गई, ये तो अपने जमाने की बहुत सुंदर लड़की थी, मतलब टॉप में रहती थी, और ये इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो सकती है बहुत ही कम समय में। आगे मैको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यूमा है। यहाँ पे नाओ भरोसा ही नहीं कर पा रही, वो बोली कि क्या तुम सच में मैको हो। मैको पूरा चिढ़ जाती है और नाओ पे चिल्लाने लगती है भाई क्या मैटर है तुम्हारे साथ, तुम क्या पहचान नहीं पा रही अपनी दोस्त को, कोई भी इतना गुस्सा हो जाएगा। पर वो बोलती है नाओ कि तुम डिफरेंट दिख रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर धीमे धीमे नाओ भी नोटिस करने लगती है कि भाई उसका जो तिल है नोज के पास वो भी सेम जगह पे है और वॉइस भी सिमिलर है जो मैको थी उसके। यहाँ पे मैको यूमा से पूछने लगती है कि भाई क्या मैं बदल चुकी हूँ, और यूमा सीधे बोलता है कि भाई मैं तो पूजता हूँ तुम्हारी सुंदरता को, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि मतलब कोई जवाब नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। मैको यूमा से पूछी क्या तुम सही बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा तो कर सकती हूँ। यूमा बोलता है ऑफकोर्स। और यहाँ पे हमको नाओ की फीलिंग्स बताई जाती है, वो माइंड में सोच रही है कि हाँ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो है, कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से इतना ज्यादा चेंज हो गया है चेहरा। मैको बताती है कि यूमा जो है मेरे क्लास में पिछले साल आया था, हम दोनों एक नजर में ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो मुझे रोज मेरी जो सुंदरता है उसकी तारीफ करता है। यहाँ पे यूमा अगेन तारीफों के पुल भानने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, मतलब तुम लिटरली गोल्डन रेशो जो टॉप की मॉडल्स होती है उनको भी फील कर देती हो। मेको बताती है कि मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं पुरानी की फोटो देखती हूँ और अब की फोटो देखती हूँ, थोड़ा सी मेरे को भी डिफरेंट लगते हैं, बट यूमा मेरी रोज तारीफें करता है तो मैं उतना माइंड नहीं करती। और वो बाथरूम चले जाती है। नाव जो है यूमा से पूछने लगती है कि भाई वो पहले तो बहुत ज्यादा सुंदर थी मेको, अब थोड़ी सी बदल गई है, क्या तुम्हें भी लगता है। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी भी वो उतनी ही ज्यादा सुंदर है जितनी पहले थी। नाव यहाँ पे पूरा इंप्रेस हो जाती है, बोलती है कि वो बहुत ज्यादा लकी है कि तुम्हें तुम्हारे जैसा लड़का उसे मिला है। यहाँ पे यूमा डिफरेंट चीज करने लगता है और सिक्के के जैसा पलट जाता है, और वो जो है नाओ की तारीफें करने लगता है, उसको बोलने लगता है कि तुम भी बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुम्हारे से भी सुंदर ज्यादा मैंने नहीं देखा, तुम भी परफेक्टली बैलेंस हो हर चीज में। अब हमको डायरेक्ट नाओ के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि यूमा जो है एंड अप हो जाता है नाओ के साथ और वो डंप कर देता है मैको को। मैको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो हमेशा उनका पीछा भी करते रहती है बिकॉज उसका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है। मेरी यादें तो उतनी अच्छे से नहीं आ रही है, लेकिन जो है यूमा उसे घुटनों पर बैठ के माफी मांग रहा था, एकदम झुक झुक के बार बार माफी मांग रहा था। अब उसके बाद वो कहां चले गई हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ऐसे रूमर्स फैल गए हैं कि उसने खुद की जान ले ली है। अब हम सबको पता है जिन्होंने भी पार्ट वन रीड किया है कि वो क्या करता है यूमा जब ज्यादा माफी मांगता है। वो जब माफी मांगता है तो उसका जो ब्रेन है मेल्ट हो जाता है। मैको का भी वही हुआ। जब मैको प्रॉब्लम करने लगी यूमा के नेक्स्ट टारगेट को टारगेट करते वक्त, तो उसने जो है उसको निपटाने का सोचा। एनीवेज यहाँ पे जो है यूमा और नाओ एक पार्क में बैठे होते हैं और यहाँ पे यूमा फिर से तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा लवली हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो। यूमा और नाओ कहीं पे भी होते हैं वो तारीफें करते रहता है, लाइक वो लोग समुद्र के किनारे होते हैं, तुम्हारी आंखें हीरे जैसी है, चमकते रहती है, और हर चीज के बारे में तारीफें करते रहता है। तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी स्किन से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है। और अब जब वो नाओ नोटिस करती है एक मिरर में देखकर, तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से आ चुके हैं। नाओ यहाँ पे बोलते रहती है यूमा को कि तुम हमेशा मेरी चीजों की तारीफ करते हो, स्किन की, आंखों की, पर अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है चीजों में। तो यूमा देखता है, वो बोलता है क्या, बिल्कुल नहीं, तुम वैसी सुंदर जैसी पहले थी। बट ये जो पैनल तुमको दिख रहा है ना, उसमें लिटरली हम देख सकते हैं नाओ कितना ज्यादा चेंज हो चुकी है, पहले वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अब जब यूमा इतनी ज्यादा तारीफें कर देता है तो नाओ फिर से खुश हो जाती है कि मैं फालतू में सोच रही थी, चीजों को बना रही थी अपने माइंड में, मैं तो सच में ज्यादा सुंदर हूं। कुछ दिन बाद नाओ अपने फैमिली के साथ डिनर पे बैठी होती है और उसके फैमिली वाले बोल रहे होते हैं कि भाई तुमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे के साथ कुछ तो गलत है। नाओ यहाँ पे पूरा शॉक में है कि भाई क्यों जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ मेरे साथ रॉन्ग है ही नहीं। उनके पेरेंट्स बताते रहते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा अब लास्ट टाइम के पैनल से भी ज्यादा चेंज हो चुका है, उसकी आंखें वगैरह सब मेल्ट टाइप की होने लगी और थोड़ी नीचे गिरने लगी है। पर नाओ भरोसा नहीं करती उसके माता पिता पे, जो और बोलती है कि वो मुझे हमेशा कहता है कि मैं उतनी ही सुंदर हूँ जितनी पहले थी। तो भी वो जो है एक फोटो से अपनी पुरानी और अब का चेहरा मैच करने लगती है, वो बोलती है हाँ कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, कुछ तो हम रीडर लोग को तो पूरा यहाँ पे जमीन आसमान का अंदर आ गया है। बट फिर भी नाओ इतना ज्यादा अंधी हो चुकी है कि वो लिटरली बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो है उतनी ही सुंदर हूँ, सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल
इस दुनिया की क्योंकि वो यूमा ऐसा बोलता है। अब नाव जब बाहर घूमते रहती है तो वो नोटिस करती है लोग उसको घूर रहे हैं, और तब वो सोचती है कि ये सब चीजें तो मेइको को भी यूमा बोला करता था, क्या पता वो कुछ पंगा हो और मैं सच में बदसूरत दिख रही हूँ। तभी उसको पीछे से आवाज आती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर, बिकॉज वो मॉन्स्टर जैसे दिखने लगी है। जब नाव पीछे देखती है तो वहां पे होती है चिज़ुमी, और मतलब कि यूमा की सिस्टर, और वो बताती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड की सिस्टर है। चिज़ुमी यहाँ पे फिर से उसके ब्रदर के पूरे पोल खोलने लगती है कि भाई वो तुमको मक्खन लगाते जा रहा था, तुम अब फंसते जा रही हो उसकी बातों में। और वो बोलती कि वो तुम्हारी तारीफें हमेशा करता है ना, बट वो जो भी तारीफें करता है वो तुम्हारी नहीं करता, वो जो शैतान को देखता है वो उसकी तारीफें करता है, उसकी सुंदरता की तारीफें करता है, पर तुमको लगता है तुम्हारी कर रहा है। उसने जब से वो डीमन को बुलाया है अपनी दुनिया में तब से उसे देखता है, और उससे वो जो है माफी मांगता है, और जूसरी उसकी तारीफें करता है, वो और कुछ कर ही नहीं पाता। प्लस जब वो ये सब चीजें करता है तो बहुत ही ज्यादा ईविल मैग्नेटिक वेव्स होती है जो कि ऐसा सब मेल्ट कर देती है, ब्रेन और फेस वगैरह को, जो भी उसके और शैतान के बीच में आता है उसको। तुम्हारा चेहरा पूरे तरीके से तबाह हो गया, क्या तुम ये चीज को नोटिस नहीं कर रही हो? नाव बिल्कुल भरोसा नहीं करती, बोलती तुम झूठ बोल रही हो झूठ बोल रही हो। यहाँ पे सिज़ुमी हंसने लगती है बहुत ज्यादा क्रीपी वाली पार्ट वन जैसे। यूमा जो है सिज़ुमी को घर भेज देता और फिर से वो नाव से माफी मांगने लगता है फटे तक। अब वो फिर क्यों कर रहा है हम सबको पता है। नाव यहाँ पे पूरा डर जाती है, बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो ना, मैं भरोसा कर सकती हूँ तुम पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे यूमा बोलता है, और फिर से वो जो है तारीफें करने लगता है बहुत ज्यादा। तुमसे ज्यादा कमाल का कोई सुंदर है ही नहीं, कोई नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। इतने में ही हमको दिखाया जाता है नाव का जो फेस है वो पूरे तरीके से मेल्ट होने लगा है, और वो मेल्ट होते होते अब गिरने जैसा होने लगा है, बहुत ही गंदा दिख रहा होता है और अगली महसूस होता है। मतलब मुझे तो ये पैनल भाई ज्यादा देर तक देखना भी नहीं हो रहा, उल्टी जैसा आने लगता है। और नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है एक डेविल जो कि नाव के पीछे है, और यूमा उसकी तारीफें कर रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है नाव को कि उसकी करा है, बट उसके पीछे जो डेविल है उसकी करा है। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी तारीफों की बातें करूंगा। कुछ दिनों बाद नाव बताती है कि वो जो है यूमा और उसकी सिस्टर ने घर बदल लिया, वो लोग ने अपना कहीं और ट्रांसफर ले लिया, मुझसे एक शब्द नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या नहीं, बाय वगैरह भी कुछ भी नहीं। पर मैं कभी भी नहीं भूलूंगी उसने मुझसे क्या कहा था, कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हूं। और इस पैनल में आप देख सकते हो उसकी आंखें कितनी ज्यादा लटक चुकी है, लिटरली उसके दांतें गिरने वाले हैं, टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, नाक पता नहीं कहां है, और ये पेज भी बहुत ज्यादा अगली है। इनफैक्ट शहर के जितने भी लोग हैं जहां से भी वो जाती है वो सब उसको घूरते रहते हैं, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। और यहां पे एंड होता है डिसॉल्विंग क्लासरूम का पार्ट टू। अगर आप भी चाहते हो ना यूमा जैसे लोगों से बच के रहो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसकी अगली टेक्निक्स पता चलेगी, आप लोग प्रिपेयर रह पाओगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ करेगा तो कोई। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।